Good morning, class. Good morning. How are you? Fine, sir. Thank you. How was your day? चले आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. कौन सा? मार्केट. लेट स्टार्ट स्टडी अबाउट द मार्केट. मार्केट एंड मार्केट टू डिफरेंट थिंग्स. मार्केट इज जस्ट अ प्लेस वेयर एक्चुअली द बायर्स एंड सेलर मीट एंड मेकिंग द एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कमोडिटीज एंड द मनी. Market having a two form, the perfect competition market and imperfect competition market. Perfect competition totally imaginary market by the economics, and imperfect competition it's real market which exists at a time. One is a monopoly, second is a monopolistic competition, and third is a oligopoly. The mono means that there one, and poly means control, one man control. The market which who have a one man control, that is a monopoly market. Monopoly market in perfect competition with a large number of buyers and sellers, having this large number of buyers and sellers having a high competition, cutthroat competition and different goods hote hain jahan par. And oligopoly matlab ki few sellers, theek hai, and few controls. So few sellers hote hain, large number of buyers hote hain. The perfect competition is referred to the form of market where there is a very large number of buyers and sellers of the commodities, and seller sells a homogeneous product. Homogeneous, identical, मतलब एक जैसा product वो बेचा करते हैं product में, ठीक है, at a price determined by the market. और price को determine कौन करता है? Market करती है, ना कि individual seller करता है. तो एक चीज याद रखना परफेक्ट कंपटीशन में, कि परफेक्ट कंपटीशन वो जहां पे प्राइस फर्म इज द प्राइस टेकर होती है. फर्म इज द प्राइस टेकर होती है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है. इसी पे सब कुछ है. अभी बताते हैं कैसे. फर्म इज प्राइस टेकर नॉट a maker. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. पहली चीज भाई, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और लार्ज नंबर सेलर्स होंगे. दे सेल अ होमोजेनियस प्रोडक्ट. होमोजेनियस प्रोडक्ट मीन होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन to be enter and exit the firm. अगर कोई firm loss पे जा रही है तो easily exit कर सकती है. अगर किसी को firm को लग रहा है, कोई industry को लग रहा है कि इस firm से मुनाफा है, तो वो freely enter भी हो सकती है. ये firm enter है. homogeneous product जानते ही, एक जैसा product वहाँ पे बेचता है, ठीक है. अब यहाँ ये पढ़ लेते हैं. product produced and sold by the seller, ठीक है, are perfectly identical. पहली चीज बात कर दी है. having no difference, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द सेलर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. ये क्या होता है? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे का. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ईच अदर का मतलब क्या हुआ? कि विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, इसका मतलब होता है क्या हुआ? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, which is used in place of another and give equal satisfaction. On the other hand, we are talking about the perfect knowledge about the market conditions. And ये माना जाता है इस market के अंदर कि buyer और seller को perfect knowledge होती है. ठीक है, मतलब कि buyer और seller क्या है about the market situation. मतलब कि they are perfectly having a knowledge about the market की situation के बारे में. दोनों को, buyer को और seller को, दोनों को पता होता है किस प्राइस पे मार्केट में माल आ रहा है, किस प्राइस पे मार्केट में माल बिक रहा है. तो वो दोनों को नॉलेज होती है. इसके साथ ही साथ सेलर को नॉलेज होती है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, अपने बायर्स के बारे में, और इसी तरह बायर्स को नॉलेज होती है अपने सेलर्स के बारे में कि और मार्केट के प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल हो रही है उसके बारे में होता है. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता. ये तो इमेजिनरी मार्केट है. इकोनॉमिक्स ने अपना कहा कि अगर ऐसा मार्केट होता तो क्या होता.
तो उस पर एक ये निर्धारित एक मार्केट है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो लक बाई चांस, तो ऐसा होता है भैया। यूनिफॉर्म प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म प्राइस, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, फर्म डिसाइड नहीं करती। नो सिंगल फर्म एंड अ सिंगल बायर्स या सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल व्हेनेवर दे वांट। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्रोडक्ट आर ब्रॉट टू ब्रॉड एंड सोल्ड इन अ यूनिफॉर्म प्राइस, ओनली वन प्राइस प्रिवेल इन द होल मार्केट, एक ही प्राइस प्रिवेल करती है पूरे मार्केट में, परफेक्टली इट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल फर्म्स कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। हम जान लें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर्स के मतलब होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यूज होते हैं प्रोडक्शन में। अब एलिमेंट्स में कौन कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, विच इज यूज इन द जिसे प्रोडक्शन वो करते हैं। तो वो बोला कि वो मोबिलिटी मोबिलिटी होती है इसकी, मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनी इक्वली। एक्चुअली थ्री फैक्टर्स जो होते हैं, लैंड वो फिक्स फैक्टर होते हैं, लैंड जो होता है वो फिक्स फैक्टर होता है, लेबर जो होता है वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और हमारा कैपिटल, ये भी फिक्स फैक्टर होता है। और हमारा एंटरप्रेन्योर, फिक्स फैक्टर होता है। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे फैक्टर को क्या मान लिया जाता है, वेरिएबल मान लिया जाता है, ठीक है, वेरिएबल मान लिया जाता है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। परफेक्ट क्लियर होता है, फर्म इज अ प्राइस टेकर होता है, नॉट अ प्राइस मेकर। फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, मतलब कि फर्म जो मार्केट में प्राइस चल रही है, जो इंडिविजुअल फर्म है उसी प्राइस पर वो सेल करेगी और उसी बाय करना पड़ेगा बायर को। प्राइस जो चेंज होती है वो इंडस्ट्रीज करेगी। इंडस्ट्रीज क्या है, द ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहा जाता है। तो सिंगल सेलर सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो फर्म क्या बन गई, प्राइस टेकर बन गई, नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेरा माना जाता है कि जो माल जितने बना है उतने में ही माल बिक जाएगा, मतलब कहने का उतने का नहीं, प्रॉफिट जोड़ के बिकेगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निल हो जाता है, जहां पे माल बनता है वहीं माल बिक जाता है। ये इस कॉम्पिटिशन की सबसे अच्छी बात है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन।